हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? मैंने अपने टेलीविजन शो में मैंगो सेवई कस्टर्ड बनाई थी, लोगों को बहुत पसंद आई। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पे ये रेसिपी आपके लिए बना रहा हूँ। सबको पसंद आती है, सिंपल है, मजेदार है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैंगो सेवई कस्टर्ड के लिए भाई सबसे पहले जो है सेवइयाँ थोड़ी सी भून लेते हैं, ठीक है। और ये जो सेवइयाँ है ना, ये बारीक वाली ले रहा हूँ, ठीक है। घी में भून लेंगे भाई। घर पे जो मिठाइयाँ बनती थी ना पुराने ज़माने में, मैंने बेबे के टाइम पे, तो सेवइयाँ, खीर, मीठे चावल, ऐसी चीजें बनती थी। तो नट्स थोड़े से भून लेते हैं। तो मैं सब एक एक बड़े चम्मच ले रहा हूं। बादाम, काजू और पिस्ता, ये सब एक एक बड़े चम्मच लिए। थोड़ा सा भूनेंगे घी में। घी लगभग दो बड़े चम्मच लिए हैं। अब ये मैं नट्स निकाल लेता हूं और अब थोड़ी सी सेवइयां जो है वो ले लेते हैं और चूरा कर लेता हूं, भून लेते हैं। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये अलग रख लें और मैंने अपनी हांडी भी अलग रख ली। अब आम ले लेते हैं, मैंगो काट लेते हैं। एक आम की प्यूरी बना लेते हैं, एक को चॉप कर लें। ये लीजिए एक को। थोड़ा दूध डाल के प्यूरी बना लेते हैं। चलिए प्यूरी बन गई, इसे चॉप कर लेते हैं। अब अल्फांसो जो है, मैंगो जो है ना, बहुत जल्दी खराब होने लगता है। और बॉम्बे में तो माना जाता है ऐसे कि जैसे बारिश शुरू होने लगती है तो ये काले पड़ने लगते हैं। और दूसरी दिक्कत ये भी होती है, जब आप कच्चे लेके आते घर पे और आप पकाने के लिए रखते हैं, ऊपर से आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन है, बट अंदर से खत्म हो गए होते हैं। तो इसलिए मैं एक और काट लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक जो मैंगो था वो थोड़ा सा ठीक नहीं निकला, ठीक है जी। तो एक और काट लेता हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो चलिए मैंगो हमने काट लिया है, अब दूध ले लेता हूँ। कस्टर्ड ले लेते हैं एक बड़ा चम्मच और आधा, बस इतना ही डालूंगा। और दूध लगभग आधा लीटर लिया हमने, ये लीजिए विस्क कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पतला ही रखिएगा, कोशिश यही करिएगा कि ये जितना पतला हो उतना अच्छा है। तो कस्टर्ड थोड़ा कम भी डालेंगे तो चलेगा। मैं थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ इसमें, ठीक है जी, क्योंकि हमें सेवइयाँ पकानी है, राइट। इसीलिए अब ये जिसमें हमने सेवइयाँ पकाई थी तो उसमें डाल लेते हैं।
और अब कस्टर्ड पका लेते हैं, और ऐसे टाइम पे मैं शक्कर भी डाल ही देता हूँ, ठीक है जी। ये लीजिए 3-4 बड़े चम्मच शक्कर के डाल लें और अब पकाएं इसको। दूध में हमने शक्कर भी डाल दी, अब मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल देता हूँ। दूध गर्म भी हो रहा है, ठीक है जी। इसके पहले पूरा खोले ये चीज़ें कुछ डाल लेते हैं, और मैं एक काम और भी कर रहा हूँ, क्योंकि दूध हल्का सा गर्म हो गया, सेवइयाँ जो हमने फ्राई की थी इनको तोड़ के, ये लीजिए तोड़ के इसमें डाल देते हैं और साथ में पकाते हैं, ताकि सेवइयाँ भी तो नरम होनी चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ ये जो नट्स है थोड़े से गार्निश के लिए छोड़ के बाकी मैं सारे डाल देता हूँ। थोड़ा सा वनीला एसेंस ये भी डाल दें, ऑप्शनल है, कस्टर्ड है करके मैं डाल रहा हूँ, अच्छा फ्लेवर आएगा। आप पकाएं जब तक ये थोड़ा सा मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए और सेवइयाँ जो है वो पक ना जाए। ये एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, और एकदम पतला भी नहीं रहना चाहिए। ये अब पका लेते हैं इसको। बढ़िया, सेवइयाँ भी बिल्कुल नरम हो रही है, और ये हमारा कस्टर्ड देखिए गाढ़ा होने को आ गया है, बहुत ही बढ़िया, राइट कंसिस्टेंसी मुझे मिल रही है यहाँ पे। ये लीजिए अब ये कस्टर्ड बढ़िया उबल रहा है और कंसिस्टेंसी करेक्ट, गुठलियाँ भी नहीं फॉर्म हुई। अब हम इसमें ये मैंगो जो पीसा था वो डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे में इंडक्शन गैस बंद कर लीजिएगा, ठीक है जी। और ये मैंगो पल्प डाल दिया, अब इसको मिक्स कर लें। वाह क्या बात है, ये तो तैयार हो गया जी, बिल्कुल बढ़िया, कंसिस्टेंसी करेक्ट, खाने में आएगा आपको मजा, सेवइयां भी पक गई। थोड़ा सा केसर डाल दें, घर पे बना हुआ डेजर्ट है उसका मजा कुछ और है, इसको मिक्स कर लें। वाह रंगत बढ़िया हो गई, आप चाहें तो इसको ठंडा कर लें, या एक काम कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, परोस रहा हूँ, सीधे बोल्स में डालें, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी चेक करें, देखिए जब मैं डालूंगा तो और अब इसमें थोड़ा सा आम डाल देते हैं, ये लीजिए। मैंगो ऊपर से डाल लिया, ये थोड़ी सी चेरी रख लेते हैं। वाह क्या बात है, थोड़े से नट्स डाल देते हैं। तो जी ये लीजिए हमारा सुंदर सा होम स्टाइल वाला सेवइयां मैंगो कस्टर्ड बिल्कुल तैयार। अब ये काम करना है, इसको ठंडा करके खाना है।